बिहार सरकार के पुलिस विभाग की तरफ से एक चिट्ठी के वायरल होने के बाद देश से लेकर के विदेश तक में इस फरमान की निंदा की जा रही है। चिट्ठी में लिखा गया कि जो लोग भी विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे, जिनकी वजह से राज्य में कानून व्यवस्था में संकट उत्पन्न होगा, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी से वंचित किया जाएगा। विपक्ष के नेता जहां इस पूरे मामले पर खोलकर सरकार को घेरते नजर आए, तो अब पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई। बिहार के DGP SK सिंघल, गृह विभाग के अपर सचिव अमीर सुभानी के साथ साथ पुलिस मुख्यालय के तमाम आला अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर सफाई दी। सफाई में क्या कुछ कहा गया है, सुनिए इस बयान में। सबसे पहले मैं आप सबको ये अनुरोध कर रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे फाइन पॉइंट्स हैं, कुछ लीगल प्रावधान हैं, मैनुअल के प्रावधान हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, तो इन सब फाइन पॉइंट्स को, बारीकियों को आपके समक्ष रखने के लिए हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर्स जो जितेंद्र कुमार जी हैं, वो पहले आपके सामने हर पॉइंट को क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे जो हमने आपस में चर्चा की है उसके आगे हम लोग बात करें। धन्यवाद सर। सबसे पहले जैसा अपर मुख्य सचिव गृह विभाग ने आपको बताया कि 25 जनवरी 2021 का जो परिपत्र है उसके बारे में, उससे पहले जो है आपको मैं सामान्य प्रशासन विभाग के 2006 और 2020 के पत्रों के बारे में भी जो है मैं आपको बता दूं, जिसमें ये अनिवार्यता है कि सरकारी नौकरी के लिए पूर्व चरित्र सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन होना आवश्यक है। 2006 में ये रखा गया था कि जो भी कोई सरकारी नौकरी करेंगे उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। फिर 2020 में, जुलाई 2020 में माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 18798/2017 अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्देश दिए गए, जिनके बारे में हमने आपको अपने प्रेस नोट में भी रखा है, आप उस पर जो है पूरा विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देशित किया गया कि नौकरी में ज्वाइनिंग से पहले ही चरित्र सत्यापन करा लेना आवश्यक है। तो ये जो पुलिस वेरिफिकेशन जो होना है, पूर्व चरित्र सत्यापन, ये ज्वाइनिंग से पहले ही पूर्ण करा लेना है, यानी कि एक टाइम बाउंड मैनर में हमें चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन पुलिस को उपलब्ध करा देना है उन अभ्यर्थियों को जो नौकरी के इच्छुक हैं, सरकारी नौकरी के मिले हैं। इसीलिए ये आदेश जो पुलिस मुख्यालय से निर्गत हुआ, जो ये टाइम बाउंड मैनर में उपलब्ध कराना है और ठेके आदि में भी जो है अनिवार्यता रखी गई है, इसीलिए जो है एक टाइम ऑन मैनर में उपलब्ध कराने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश निर्गत किया गया, ताकि जो अभ्यर्थी हैं उनको अनावश्यक विलंब ना हो और उनको ससमय ये सत्यापन प्रतिवेदन मिल जाए। ये इस बारे में मैं और जो है स्पष्ट कर दूं कि हमारे पुलिस मैनुअल में पहले से ही प्रावधान चला आ रहा है कि सत्यापन की क्या प्रक्रिया होगी। जैसे पुलिस हस्तक का नियम है 92, जो नियोजनार्थियों के चरित्र सत्यापन का प्रावधान इसमें रखा गया है कि कैसे किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा। उसी के साथ जो है 1985 में पुलिस ऑर्डर 144 और 145, ये भी जो है समय समय पर निर्गत होते रहे। समय की आवश्यकताओं के साथ साथ जो है इनमें प्रक्रियाओं में रिफाइनमेंट होता रहा, और उसके बाद 2011 में भी जो है कि चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के लिए थानों में क्या क्या अभिलेख रखे जाएं, ये भी जो है निर्देशित किया गया। इन्हीं सब की कड़ियों में ये 1 फरवरी 2021 का पुलिस मुख्यालय का आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि ससमय दिया जाए, ताकि RTPS एक्ट के तहत भी जो है ये एक टाइम बाउंड सर्विस है जो उपलब्ध करानी है, समय पर सबको मिल जाए। तो ये उसको जो है प्रावधित किया गया कि समय पर ये उपलब्ध करा दी जाए। और
उसमें क्या क्या सूचनाएं रहेंगी इनके बारे में भी स्पष्ट किया गया है। उस क्रम में पुलिस एवं न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाइयों की प्रविष्टि सत्यापन प्रतिवेदन में रहेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध में अप्राथमिकी अभियुक्त है और वो आरोप पत्रित हुआ है या न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया यानी कन्विक्टेड है, आरोप पत्र यानी चार्जशीट, यदि उस पर जो है अनुसंधान के बाद साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र समर्पित किया गया है तो ये प्रविष्टि हमारी जो है उसमें रहेगी सत्यापन प्रतिवेदन में। कोर्ट द्वारा जो है कोर्ट में उसको जो है कन्विक्ट किया गया है, सजा दी गई है, तो ये प्रविष्टि भी जो है उस हमारे सत्यापन प्रतिवेदन में रहेगी। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी संज्ञेय अपराध में, संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें पुलिस बिना किसी वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, तो यदि उसमें किसी व्यक्ति का नाम प्राथमिकी या अप्राथमिकी अभियुक्त के रूप में आया परंतु अनुसंधान में पाया गया कि उस पर आरोप सत्य नहीं है, साक्ष्य नहीं पाया गया है और उस पर जायज आरोप पत्र नहीं समर्पित किया जा रहा है, तो उसके नाम में, उसके चरित्र सत्यापन में उस कांड का उल्लेख नहीं किया जाएगा। मतलब कि वो हमारे हिसाब से, हमारी तरफ से क्लीन हो गया है वो। इसी तरह से यदि उसको सिर्फ संदेह किया गया है और उस पर आरोप पत्र के लायक साक्ष्य नहीं है तो भी जो है उस कांड की प्रविष्टि नहीं की जाएगी, यानी उस समय भी उसको जो है क्लीन ही माना जाएगा। और यदि आरोप पत्र समर्पित भी किया गया लेकिन न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया या उस पर मुकदमा खारिज कर दिया या फिर ट्रायल के बाद उसको एक्विट कर दिया, ऑनरेबल एक्टिव कर दिया, तो भी उस कांड की प्रविष्टि उसके बारे में नहीं की जाएगी। इसी क्रम में जो है एक और जो है वो क्या है कि यदि विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम आदि मामलों में यदि कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है और आपराधिक कृत्य में शामिल होता है, मतलब इन सब गतिविधियों के, जैसा अपर मुख्य सचिव साहब ने बताया भी कि ये संवैधानिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं अपनी बात रखने का, लोगों को, नागरिकों को जो है संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, वे अपनी बात रख सकते हैं और हर तरह से उनको जो है उन अधिकारों को किसी भी प्रकार से अक्षुण नहीं किया जा रहा है। बस यही कि यदि वे किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होते हैं, आपराधिक कृत्य हो सकते हैं कि सरकारी संपत्ति की तोड़ फोड़ करना, आग लगाना या लोगों के साथ जो है मारपीट करना, इसी प्रकार के और भी ये उदाहरण के रूप में है, और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपराधिक कृत्य में शामिल होते हैं और उसमें अनुसंधान में उनका नाम आता है, साक्ष्य पाया जाता है और फिर आरोप पत्रित किया जाता है, तब इन कांडों की सूचना भी हमारे पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन में रहेगी। ये रहेगी पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन में, रहेगी पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन में इन सूचनाओं को भी रखा जाएगा। बस ये कहने का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया है किसी भी प्रकार का और उसमें वो आरोप पत्रित हुआ हो या न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया हो, वैसी प्रविष्टियां हमारे पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन में रखी जाएंगी।